हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेन पॉकेट और उसके बाद में जो बड़ा पॉकेट होता है फैशन में, वो मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीक़े से मैं बताऊंगा, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे फिर आपको मालूमात होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है से आप सब मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को सबसे पहले देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहले आपको इस तरीके से एक मार्क लगाना है, जैसे मैं मार्क लगा रहा हूँ, ये 5.5 इंची का मुँह रखना है इसका, ठीक है। और इस तरीके से इसको लंबा, अगर स्केल है तो स्केल से मार्क लगा ले पूरा बीच के सेंटर लेकर के, फिर उसके बाद में आपको मार्क लगाना है। उसके बाद में जो छोटा पॉकेट होता है उससे 1 इंची 1.25 इंची नीचे निशान लगाए, और इसका जो है चौड़ाई जो है ज़्यादा नहीं होता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंची 1.25 इंची होता है। ये पेन पॉकेट के लिए इतना ही आता है। आप सब पहले मैं मार्क लगा रहा हूँ, मार्क का तरीका देख ले और उसके बाद में सेम टू सेम आपको इस साइड में रखना है और इस साइड में 1 इंची का इसका मुंह रखे, 1 इंची 1.25 इंची, इससे ज़्यादा आपको मुंह नहीं रखना है, ठीक है। तो आपको ये दूसरा वाला साइड में भी आपको इस तरीके से ही मार्क लगाना है, जैसे एक साइड का फैशन ये हो गया और दूसरा साइड का भी फैशन, जो उस साइड का भी फैशन सेम टू सेम मार्क होगा, वो भी 5.5 इंची का मुँह होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा ये चीज़ को आपने ज़रूर पसंद करना है, क्योंकि ये फैशन का मैं पहले इसका मैं वीडियो बनाया हूँ आपको, चापा कैसे करते हैं फैशन डिज़ाइन करके। तो आज मैं इसको बता रहा हूँ कि पॉकेट कैसे बनाते हैं, ये पार्ट पार्ट करके आपको बहुत बेहतरीन हिसाब से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और ये पूरा का पूरा वीडियो मैं दिखाऊँगा आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लेडीज़ जेंट्स देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है ऐसे मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो इतना आसान आसान तरीके से एक एक पार्ट करके मैं बताता हूँ, इतना स्लो वीडियो मैं दिखाता हूँ। तो आप सब कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सब सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि आपको दूसरे तक भी इसको पहुंचाए, से दूसरे आदमी भी देखे पॉकेट कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से पहले आपको एक पैर का सिलाई लगा लेना है नीचे वाला साइड में, और जो मार्क लगाए मार्क के ऊपर ही आपको लगाना है सिलाई, ठीक है। एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे करके, फिर उसके बाद में जितना आपको बोन बनाते हैं, जिस तरह पॉइंट का बोन बनाते हैं सेम टू सेम उसी तरह होता है। तो आपको ये पूरा मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर लेडीज़ में जेंट्स में कुर्ता सलवार हो गया, अगर ब्लाउज हो गया, पैंट प्लाजो पैंट का कटिंग और स्टिचिंग देखना तो आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। उसी तरह आपको कोट पैंट का, सफारी शेरवानी का, जेंट्स में आपको कोट और लेडीज़ कोट, ये सब चीज़ का कटिंग और स्टिचिंग मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर। इस तरीके से आपको ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये छोटा होता है ना, छोटा में आप क्या होता है कि हाथ ज़्यादा चलता नहीं है, छोटा में ये बहुत ही आराम आराम से पॉकेट बनाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं बड़ा होता है, 1 इंची का बड़ा होता है। फिर इसको जब काटते हैं, जो पॉकेट के लिए काटते हैं, तो उसको भी आपने पूरा ध्यान दे करके फिर उसके बाद में कटिंग करना होता है, नहीं तो ज़्यादा काट देंगे तो ये पॉकेट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको खोलना पड़ेगा। तो इसलिए आप चाकू कैंची का नोक से कटिंग करें, ज़्यादा बड़ा ना कटिंग करें। उसके बाद में इस तरीके से पॉकेट का निशान लगा करके दूसरा वाला पॉकेट भी बनाएंगे। इस तरीके से आपको एक चाप का यानी पाइपिंग निकालना है वो पॉकेट के लिए। तो ये पूरा का मैं प्रोसेसर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप ये छोटा पॉकेट और बड़ा पॉकेट दोनों का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरा मालूमात हो जाए। इस तरीके से आपको तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये वीडियो, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट पार्ट करके मैं वीडियो बना रहा हूँ।
और इस तरीके से आपको बांध देना है, और अच्छी तरीके से बांधना है कि ये खुले ना बोल करके। और बाकी जो मार्जिन है उसको कटिंग कर देंगे, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे। देखिए ये 1 इंची का मेरा पॉकेट जो है पेन पॉकेट, ये रेडी हो गया इस तरीके से। तो ये पॉकेट के लिए स्पेशल कोट का जो अंदर चापा होता है और पॉकेट बनता है, पेन पॉकेट बनता है, ये उसके लिए मारिक कैसे लगाना है और बॉन पॉकेट कैसे बनाना है, ये उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो जो आदमी जानते हैं उनको लिए तो कोई मुश्किल नहीं होता, वो बोलेंगे ये सही है। जो आदमी नहीं जानते उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि ये कैसे बनाएंगे, मारिक कैसे लगाएंगे। तो उनके लिए ज़्यादा खास करके ये वीडियो मैं बनाया हूँ, से वो देखेंगे तो उनको पूरा का पूरा मालूमात हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और इस तरह रख के आपको ऊपर और नीचे ये रख करके फिर उसके बाद में एक एक पैर का सिलाई लगा देना। एक एक पैर का सिलाई लगाने के बाद में इसको क्या करना है, जिस तरह आप पाइपिंग निकालते हैं बैक पॉकेट का, उसी तरह इसको भी बैक पॉकेट की तरह पाइपिंग निकाल देना है। यानी एक पैर का आपको बॉन बनाना है, ठीक है, बॉन जो बोलते हैं बॉन बनाना है। इस तरीके से आपको पूरा ए से जेड तक मैं बता रहा हूँ। और इसमें जो सिलाई जो है ना, आपको ऊपर नीचे नहीं करना, ऊपर नीचे करेंगे और आपको जब पॉकेट बना रहे हैं तो पॉकेट बनाने का सेम टू सेम आपको बांधना है। ये नहीं से एक आगे बांध दिए, एक थोड़ा इधर बांध दिए, तो वो पॉकेट जो है ना, पॉकेट बांधने के लिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे आ जाएगा। इसलिए दोनों का सेंटर मारिक लगा करके फिर उसके बाद में आपको सेम टू सेम बांधना है, ताकि आपको पूरा का पूरा सेम टू सेम निकले। और इस तरीके से पहले बॉन को चीर करके उसके बाद में एक पैर का पूरा सीधा का सीधा खास में सिलाई लगाना है, ठीक है। इसके खास के अंदर ही सिलाई लगाते हैं कि सिलाई देखे ना बोल करके, इस तरीके से। इस तरीके से आपको खास में सिलाई लगाना है। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं और इसी तरह और भी वीडियो बनाऊं। जो आदमी जानते हैं सीखे हुए हैं उनके लिए तो बोलते हैं यार ये कोई मतलब नहीं है वीडियो का, जो आदमी नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है ऐसा ऐसा वीडियो, क्या। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप कोई आदमी ज़्यादा जानता है, कोई आदमी नहीं जानता है, कोई आदमी अभी सीखना चाह रहा है, तो इसलिए मैं ऐसा ऐसा वीडियो बनाता हूँ ताकि उनको भी पूरा मालूम हो जाए और पूरा तफसील से वो भी सीख ले। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल में आपको स्वागत है, बहुत ज़्यादा स्वागत है। आप सब मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या लाइक कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि इसी तरह मैं और भी वीडियो बनाऊँ। इस तरीके से आपको कैंची का नोक से जैसे आप कटिंग किए वैसे ही आपको जहाँ पे सिलाई लगाए उसी तरह आपको कटिंग करना है, नहीं तो ज़्यादा कम बेस करेंगे तो वो उसका नोखा जो है वो सही नहीं बैठेगा। तो इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेसर दिखा रहा हूँ, इसको इस भगा नहीं रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ, और अच्छी तरह आयरन से साफ़ कर लेंगे, ताकि आपको ये साफ़ हो जाएगा अंदर से, तो समझिए आपका पॉकेट साफ आएगा। देखिए आपको ये दोनों साइड नीचे बैक पेन पॉकेट का और ये पॉकेट का दोनों का दोनों सेम ही होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं से एक आगे बांध दिया, एक पीछे बांध दिया, एक नीचे वाला पॉकेट अंदर चला गया और ऊपर वाला पॉकेट बाहर आ गया, उस तरह नहीं, पूरा सेंटर का निशान लगा करके, जिस तरह मैं निशान लगा करके उसके बाद में मैं किया हुआ था सेम उसी तरह आपको करना है। अब कोई आदमी क्या करता है, जल्दी जल्दी वीडियो भगा भगा करके बना देते हैं, उसमें समझ में आता नहीं ऐसे कहाँ पे कही है, आपको पूरा तफसील से मैं बता रहा हूँ। एक आदमी सीखता है ना, जिस हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ, उसे वो आराम आराम से भी बना लेगा इस तरीके से। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसका पॉकेट जो है, पॉकेट इसका जोड़ देंगे, जो लाइलिन का पॉकेट होता है, क्योंकि वही तो बॉन बनाए थे ना, बॉन बनाने के बाद में पॉकेट 8 इंची लंबा काटे हैं
और 6 इंची चौड़ा काटा है वो आपको इसमें अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद में इसको गोलाई घुमा देंगे। इस तरीके से आपको गोलाई घुमा करके उसके बाद में आपको, तो जितने भी दोस्त हैं आपको लेडीज़ और जेंट्स कटिंग और स्टिचिंग देखना है, आपको पार्ट पार्ट का कोट और पैंट और शर्ट का कटिंग भी देखना है, तो आप मेरे पार्ट पार्ट का बहुत ही आसान आसान तरीके से आपको कटिंग और स्टिचिंग मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो आप सब मेरा चैनल के ऊपर विजिट करें और पूरा का पूरा वीडियो देखें, और फिर उसके बाद में कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मैं और भी वीडियो मेरा और भी लोग देखें और भी मुझे सपोर्ट करें। तो जितने भी दोस्त हैं सबसे रिक्वेस्ट है से आप सब मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे फिर आपको मालूम होगा। तो जितने भी दोस्त हैं सबसे रिक्वेस्ट है से आप सब वीडियो का पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पूरा का पूरा वीडियो देखें और मुझे सपोर्ट करें और मेरा चैनल को भी सपोर्ट करें। आप सब पहले जानते हैं मेरा पहले वाला चैनल का नाम था स्मार्ट फैशन इस सूट, तो वो बंद हो गया, तो ये मेरा नया चैनल है, तो मेरा नया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।